गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। नाउ एज इन द लास्ट टॉपिक वी हैव स्टडीड एंड स्टार्टेड द न्यू चैप्टर चेंजेज एंड रूरल डेवलपमेंट इन द चेंजेज एंड रूरल डेवलपमेंट डेवलपमेंट इन द रूरल सोसाइटी एंड लास्ट क्लासेस वी हैव स्टडीड। Now today we are going to concentrate on the topic the impact of the land reforms. Now the land reforms process is going right from the very early times, even during the if you go through the Mughal history, where the rulers time to time they have now did the premise of the land, measurement of the land to and the categorize the land in the many categories, productive lands or the unproductive lands, irrigated lands and the or the monsoon dependent lands, many of the lands for the raising the revenue by the state time to time. Okay, so as the British came to our country, their advance happened. The British also to raise the maximum of revenue, maximum extraction of the revenue, they now devised the, they now made the many times the land reforms, introduced the many land reforms in India to extract the as much as, or they wanted to ensure, they wanted to make sure of their constant income from the revenue system, from the revenues process. So for that, the British now introduced many of the lands. So now, first of, let's see the historical region. Why the regions India came to be the dominated by just one or more groups? पहले हम अपने social point of view से देखें, तो आप जानते हैं, you know very well that Indian society or India, in the Indian villages were dominated by the one or two groups. And important to realize that this agrarian structure had changed enormously over the time, even the pre-colonial time. जो agricultural economy का जो हमारे यहाँ structure था, ये over the time change हुआ. Even before the colonial period, I am talking about that time. This agrarian structure time to time change. Mughal period में भी आप देखेंगे, काफी मेनी ऑफ द लैंड अरेंजमेंट्स वेयर मेड देयर और इन दैट द लैंड्स बंजर छच्छर परौती लाइक दैट मेनी काइंड ऑफ द पोलर्स परौती बंजर छच्छर दिस काइंड ऑफ द लैंड कैटेगरी वाज जस्ट ट्रेस्ड बाय द स्टेट एंड बाय द मुगल्स मुगल्स एंड दे हैड और मेजर जो लैंड रिफॉर्म्स किया गया था शेरशाह सूरी के टाइम में भी उसने और इसीलिए कहा जाता है कि शेरशाह सूरी वाज द प्रीडेसर्स ऑफ द अकबर शेरशाह ने जो लैंड रिफॉर्म्स किया था अकबर ने उसको फॉलो किया और लास्ट में आप जानते हैं कि टोडरमल जो कि बहुत बड़ा लैंड रिफॉर्मिस्ट था उसने अपने दैसाला सिस्टम इंट्रोड्यूस करके लैंड्स को यहाँ पे लैंड को लैंड सिस्टम रेवेन्यू सिस्टम को उसने परमानेंट किया उसको बनाया और द कॉन्स्टेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ द रिवेन्यू फ्रॉम देयर हम विलेज सिस्टम में देखते हैं कि डोमिनेंट कास्ट वेयर प्रोबेबली एल्सो द हमारे यहाँ डोमिनेंट कास्ट पहले कौन थे जमींदार थे अंडरस्टैंड लैंड लैंड जमींदार थे डोमिनेंट कास्ट एंड जिसकी बात हम इंडिपेंडेंस के बाद बाद अगर देखते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस हम टॉक करते हैं जैसे एक आपको हमने पढ़ाया है कि एक न्यू डोमिनेंट कास्ट इमर्ज हुआ हमारे रूलर सोशल स्ट्रक्चर में और रूलर एग्रो इकोनॉमी में ये न्यू स्ट्रक्चर न्यू डोमिनेंट क्लास जो पोलिटिकली भी बहुत स्ट्रांग हुआ और इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हुआ तो ये बाई द सेम डोमिनेंट कास्ट वेयर प्रोबली ऑल्सो कल्टिवेटिंग द कास्ट इन द प्री कॉलोनियल पीरियड और ये जो डोमिनेंट कास्ट था ये प्री कॉलोनियल पीरियड में एक तरह से कल्टिवेटर्स थे ये विद द हेल्प ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब लैंडलेस उनके हेल्प से ये कल्टिवेशन से
they were engaged in the cultivations and they were not direct owner of the land. और ये direct owner नहीं थे lands के. Land तो किसके हाथ में था? जो absentees landlords थे, vast estates इनके hand में था, जिसकी position में था, और they were living in the where? They were living in the towns, big towns and urban area. And now they were not directly involved in the cultivation. तो बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड से जो जमींदार थे वास स्टेट दे वर एब्सेंटीज लैंडलॉर्ड्स और ये जो डोमिनेंट कास्ट जो लेटर ऑन जो आफ्टर द इंडिपेंडेंस दिस डोमिनेंट कास्ट वाज एंगेज्ड इन द लैंड मैनेजमेंट ऑन द ऑन बिहाफ ऑफ दिस एब्सेंटीज लैंडलॉर्ड्स और एज वेल एज द कल्टिवेशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ द लैंडलेस क्लासेस landless labor classes or this lekin after that ruling groups such as the local kings and zamindars who were the also politically powerful the ruling groups the zamindars or the local kings they were the very much powerful no doubt and control the entire land the peasants or cultivators who worked or ye zyada tar jo ye ruling class tha they belong to the kshatriya caste jisse hum rajput kehte hain kshatriya and other higher caste control the land peasants or cultivators work the land had to hand over the substantial portion to cultivators the jo land agriculture ka kaam karte they had to be the give a substantial part of their produce to these zamindars or the kings as a revenue inhe dena hota tha and now moreover when the british colonized india many areas who ruled through the जमींदार सब यहाँ पे देखिए जब ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले लैंड रेवेन्यू जो सिस्टम था दैट वाज डिपेंडेंट ऑन द हाईएस्ट बिडर्स ऑक्शन सिस्टम से रेवेन्यू लिया जाता था तो ये ऑक्शन सिस्टम्स की जो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू था दिस वाज नॉट ड्रॉइंग द एक्चुअल परमानेंट फिक्स्ड इनकम नो कभी इनकम में ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ट्रेजर था उसके इनकम में फ्लक्चुएशन कभी हाईएस्ट बीडर कभी ज़्यादा बोल कभी कम इस तरह से जो हाईएस्ट बीडर्स जो होते थे जो बोली लगाते थे उसके आधार पर तो उसमें फ्लक्चुएशन था ऐसे तो इस फ्लक्चुएशंस को दूर करने के लिए और एक मिडिल ग्रुप ब्रिटिश गवर्नमेंट टू मेक द स्टेबल देयर गवर्नमेंट टू मेक देयर टू टू सीक and to get the support from or they wanted to make a supportive leaders in India because they were handful they wanted the extra hands and extra supports in India so unhone ek create kiya particularly in northern India create kiya Bengal aur Bihar aur Awadh mein ek zamindar class aur ye zamindar ka Lord Cornwallis ne permanent settlements ke through ye taiyar kiya ek zamindar एक जमींदार मिडिल मैन एक मीडिएटर्स इंटरमीडियरीज और ये जमींदार से क्या था कि लैंड्स का इसको रियल मालिक बनाया गया ऑनर और इसे एंड द जमींदार वाज मेड द मच मोर पावरफुल और इसको काफ़ी शक्तिशाली बनाया गया काफ़ी पावरफुल बनाया गया और सारे लैंड से रिलेटेड जो पावर है इट्स केम अंडर देयर कंट्रोल एंड नाउ since the colonizers imposed the heavy lands revenue on the agriculture aur ye zamindar kya tha ki they extracted control over the land or extracted as much as they could jitna bhi halanki inka bhi motives tha main detail mein nahi jana chahta hu history ke kyunki we have to be the study this se kyunki hamara sociology portion hai to isliye hum yahi par concentrate honge zyada deep nahi jayenge that will just deviate from the topic तो यहाँ हियर वी हैव टू सी दैट कि दिस जमींदार्स नाउ एक्सट्रैक्टेड एज मच एज दे कुड और द एज द फिक्स्ड रेवेन्यू दे पेड ऑफ टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द रेस्ट ऑफ एज मच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स और फ्रॉम द उनसे ये एक्सट्रैक्ट तो अंडर दिस कंडीशंस दे हैव टू बी द पे मच एंड कुछ ऐसे सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जैसे सदर्न इंडिया में मद्रास वगैरह जो डिस्ट्रिक्ट थे कहीं पर उन्होंने रैयतवारी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट नहीं वहाँ रैयतवारी सिस्टम उन्होंने
in the Rayyat Bari system, the direct lands was, land revenue was collected by the British officials, directly British officials. There was no intermediary. वो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडरस्टैंड. एक और सिस्टम था जो हम यहाँ पे बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. ये महलवारी सिस्टम था दैट वाज इन द पंजाब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ. तो पूरे हेडमैन ऑफ द विलेज कलेक्टिवली कलेक्ट करता था ऑल विलेजर्स से, उसके बाद देन आफ्टर ही हैंड ओवर. तो यहाँ हम टॉक कर रहे हैं तो, लेकिन सिंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो जहाँ रैयत वाली सिस्टम था वहाँ देयर द लैंड जो कल्टिवेटर्स था ही वाज द मास्टर, ही वाज द ऑनर ऑफ द लैंड वेदर द लार्जर और द स्मॉलर होल्डिंग्स का वो मालिक होता था. तो वो अपने इंसेंटिव से प्रोडक्शन करता था विद मच इंटेंसिटी, क्यों उसमें फीलिंग थी ओनरशिप की फीलिंग थी और वो जो भी प्रोडक्शन करता था दैट वॉज द हिज ओन. तो यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ पे और लेकिन वहाँ पे जो प्रोडक्शन था दैट इन्हांस्ड. लेकिन सिंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन सिस्टम इसलिए भी यहाँ पे किया था कि ये ब्रिटिश सोशल सिस्टम में भी ऐसा था, लैंडलॉर्ड्स वहाँ भी थे और लैंडलॉर्ड्स को इसलिए दिया जाता था बिकॉज दैट लैंड वॉज अलॉटेड बाई द किंग्स कि उसमें प्रोडक्शन हो जाता था, एक मोटिव इंसेंटिव. लेकिन यहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे इनमें जो प्रोडक्शन इन्हेंस नहीं हुआ. ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सोचती थी कि प्रोडक्शन डायरेक्टली हम लैंड इम्प्रूवमेंट या लैंड प्रोडक्शन के डेवलपमेंट में ये डायरेक्ट ये करेंगे, उन पर उसने इम्पोज कर दिया जैसे एज मच एज होगा सो मच दे विल एक्स्ट्रा इनकम दे विल गेट एंड दिस विल बी द इंसेंटिव फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द लैंड रिव्यू, ये लैंड डेवलपमेंट सिस्टम एंड एग्रीकल्चर. तो दिस वॉज द डन. लेकिन क्या हुआ कि स्टैग्नेंसी पाई गई. अगर ओवरऑल स्टडी किया गया तो जहाँ जमींदारी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था वेयर द देयर वॉज द स्टैग्नेंसी इन द ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर. लेकिन जहाँ वेयर द रैयत वाली सिस्टम वॉज देयर और वेयर द रादर प्रोग्रेसिव हैपेंड एंड ग्रोथ हैपेंड इन द एग्रीकल्चर. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंट इसके साथ साथ फ्रीक्वेंट वॉर एंड ऑपरेसिव लैंड लॉर्ड्स एंड फेमिन्स की वजह से नाउ द समथिंग पॉपुलेशन डिसिमिनेटेड. मोर ओवर मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कॉलोनियल इंडिया वेयर एडमिनिस्टर्ड थ्रू द जमींदारी सिस्टम. जानते हैं कि जमींदार्स वेयर द इंटरमीडियरी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. डायरेक्ट ब्रिटिश रूल वॉज द कॉल्ड द रैयतवारी सिस्टम जिसको हमने आपको कहा. लैंड सेटलमेंट्स रैयत मीन्स द इन दिस सिस्टम एक्चुअल कल्टिवेटर्स वेयर द आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड द ऐसे सिस्टम में जो एक्चुअल कल्टिवेटर्स था वो कौन था रैयतवारी सिस्टम में, वो खुद किसान था, कुछ फार्मर था. तो वो बहुत इंसेंटिव से जो टैक्स दिया या रेवेन्यू दिया ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, ब्रिटिश ऑफिशियल्स डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करती थी, डायरेक्टली कलेक्शन. तो ऐसे में कॉलोनियल गवर्नमेंट डील्स डायरेक्टली फार्मर्स से एंड रादर देन थ्रू द ओवरलॉर्ड्स. बर्डन टैक्सेशन वॉज लेस, इसमें जो टैक्सेशन का बर्डन था वो कम था ऑन द किसान और फार्मर्स. एंड ऑन द अदर हैंड परमानेंट सेटलमेंट में वहाँ ज़्यादा था, मच बर्डन वॉज देयर एंड हैड द इंटेंसिव इन्वेस्ट द एग्रीकल्चर और उनके पास एग्रीकल्चर के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए इंसेंटिव बसता था. वो इंसेंटिव से कि वो हमारा ओन लैंड है, ये फीलिंग से इस मोटिवेशन से वो वर्क करते और वे हाई प्रोडक्शन करते. तो दिस वॉज द एज ए रिजल्ट फ्रॉम द एरिया बिकेम द रिलेटिवली द मोर प्रोडक्टिव एंड प्रॉस्पर. तो सदर्न इंडिया का जो एरिया था मद्रास साइड का, जो मद्रास से प्रेसिडेंसीज की जो एरिया थी जहाँ पे इसको बंगाल प्रेसिडेंसी में परमानेंट सेटलमेंट, मद्रास प्रेसिडेंसीज में इसको लगाया गया रैयतवारी सिस्टम, वहाँ पे रादर प्रॉस्पेरिटी ज्यादा आई किसानों में एंड लोकल फार्मर्स लैंड ओनर्स. दिस बैकग्राउंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉलोनियल इंडिया वाज फिक्स्ड व्हिच हम लोगों ने वी हैव सीन दिस. नेक्स्ट अब आफ्टर द इंडिपेंडेंस व्हाट काइंड ऑफ द इंडिपेंडेंस के बाद हाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू द पॉलिसी. तो आप जानते हैं कि नेहरू गवर्नमेंट नेहरू से नेहरूियंस गवर्नमेंट में नेहरू गवर्नमेंट में दस द प्रोग्राम एक प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया एंड नाउ अंडर दिस एंड द फोकस वॉज
completely given on agricultural development and industrial development with a planned manners. And now this was the, and the policy makers responding to dismal agriculture situation in India at that time. This was marked by low, वहाँ पे ये मार्क किया गया कि भारत में no doubt India में low productivity है. First point, second क्या है? Dependence on the imported food grains था भारत उस वक्त. Low productivity है इस वजह से, because of that India had to import the huge amount of the food grains from the outside or this country. And इसके साथ साथ intense poverty on the large section in the rural area in population में intense poverty था. So now the government was now determined to eradicate this situation, to meet this situation by a planned manner and by the land reforms. Government इसको planned manners में और land reforms manners में wanted to finish that, and they felt that major reforms in the agrarian structure a requirement, and especially the land holding system, यानी कि land positions सिस्टम में, लैंड होल्डिंग सिस्टम में गवर्नमेंट्स वांटेड टू, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड टू द लैंडलेस. व्हाट दैट द गवर्नमेंट वाज नाउ प्लानिंग एंड वाज नेसेसरी इफ एग्रीकल्चर्स वेयर द प्रोग्रेस. गवर्नमेंट ने चकोट किया प्लांट्स और ये कंक्लूजन निकाला गया कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लैंड वे में थ्रू द लैंडलॉर्ड्स इज रिक्वायर्ड एंड द नेसेसरी, बिकॉज विदाउट दिस progress of the agriculture could not be the possible. So as a result, what happened from the 50s to 70s, a series of land reforms was made were passed, and at the national level as well as the state level, dono level par a series of reforms the government taken, and that were the intended to bring about the these changes. Aur iska इंटेंशन था या इसका ऑब्जेक्टिव था कि चेंजेस लाना लैंड होल्डिंग्स में, सिस्टम में चेंजेस लाना. तो फर्स्ट नाउ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ट ये था नाउ एवोल्यूशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम. पहला याद रखिएगा, फर्स्ट क्या है, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, एंड विच रिमूव्ड ए लेयर और इंटरमीडियरीज, जो हम मैंने कहा ना कि परमानेंट सेटलमेंट में नीचे कल्टिवेटर्स था, टीनेंट्स, बीच में बिटवीन द जमींदार्स एंड टॉप पे ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो इसमें जो इंटरमीडियरीज था, जो इंटरमीडियरीज ग्रुप है, जो दैट वाज द जमींदार ग्रुप है, इट वाज कंप्लीटली रिमूव्ड. हु वाज द स्टूड बिटवीन कल्टिवेटर्स और द स्टेट के बीच में जो जमींदार था, इस सिस्टम को रिमूव कर दिया गया. पहला स्टेप लिया गया जमींदारी एवोल्यूशन सिस्टम, ओके, एंड एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम में, एंड ऑफ ऑल लैंड रिफॉर्म्स लॉ दैट वेयर पास्ड, ओके, दिस वाज प्रोबेबली द मोस्ट इफेक्टिव. और सब जितने भी पास किए गए थे लैंड रिफॉर्म्स, उसमें सपोज द मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट एरियाज ऑफ द सक्सेसेड टेकिंग अवे द सुपीरियर राइट्स ऑफ द जमींदार, ऊपर जो जमींदार के सुपीरियर राइट्स से टेकन अवे, एंड नाउ over the land and the weakening their economic and political power. unki jo economic power thi zamindars ki aur political power tha dono weakened kar diya gaya by taken away the british the independent india mein zamindaron ke powers, unki economic aur political powers power was now weakened. second thing, this did not happen without the struggle or this was the full of it, but ultimately the effect was the strengthened the पोजिशन ऑफ द एक्चुअल लैंड होल्डर्स. इसके साथ साथ जो लैंड उनकी थी, दैट राइट वॉज गिवेन टू द डोमिनेंट कास्ट, जिसकी मैं बात कर रहा था लास्ट क्लास, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया कल्टिवेटर्स में, एंड कल्टिवेटर्स एट द लोकल लेवल्स पर दे लैंड वॉज द जमींदार्स लैंड वॉज टेकन अवे एंड इट वॉज गिवेन अवे टू द कल्टिवेटर्स. This was the done by the British, by the independent India, and zamindari evolution did not wipe out. फिर भी बहुत दिनों तक इनका इफेक्ट रहा जमींदार्स का, लैंड लॉर्डिज्म एंड और द टीनेंसी
और द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम जो था, शेयर क्रॉपिंग सिस्टम इवन देन दैट कंटिन्यू विच कंटिन्यूड मेनी एरियाज एंड ओनली रिमूव द टॉप लेयर ऑफ द लैंड मर्जन. इसमें भी जो हटाया गया, एब्लूज किया कि टॉप लेयर एग्रीकल्चर में भी कई लेयर्स थे, बहुत बड़ा जमींदार, उसके बाद एक मिडिल रैंक का जमींदार और एक छोटा जमींदार. जमींदारी सिस्टम में भी कई लेयर थे जमींदार्स के, एग्री. तो ओनली द टॉप लेयर वॉज द रिमूव्ड, बट स्टिल द सेकेंड लेयर ऑफ जमींदार्स एंड द थर्ड लेयर ऑफ जमींदार वर स्टिल कॉन्सोलिडेटेड एट देयर पोजिशन इन द विलेज एंड एक्सरसाइज देयर इन्फ्लुएंस्ड ओवर द टेनेंट्स. तो नाउ ओनली रिमूव द टॉप लेयर एंड द मल्टी लेयर्ड एग्रेरियन स्ट्रक्चर में अभी भी वो कॉन्सोलिडेट. लेकिन फिर भी अमॉन्ग द अदर मेजर रिफॉर्म्स किया गवर्नमेंट ने लॉ से रिफॉर्म्स वी आर द इंट्रोड्यूस वे टेनेंसी एवोल्यूशन एक्ट. दूसरा एक था, पहले तो जमींदारी एवोल्यूशन हुआ, अब टेनेंसी एवोल्यूशन एंड द रेगुलेशन एक्ट. रेगुलेशन एक्ट्स दे अटेम्प्टेड आइदर टू आउटलॉ टेनेंसी ऑल टुगेदर और रेगुलेट रेंट्स टू गिव सम सिक्योरिटी टू द टेनेंट्स. को रेंट को रेगुलेट किया गया या आउटलॉ किया गया, इसको रेगुलेट किया गया इन मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स, अलग अलग, दैट वॉज द सब्जेक्ट ऑफ दी स्टेट्स. दिस वे आर द नॉट यूनिफॉर्मली इन्फोर्स्ड इन ऑल द स्टेट्स ऑफ द कंट्री, बट ओनली द टू स्टेट्स इसको फॉलो किए टेनेंसी एवोल्यूशन और रेगुलेशन एक्ट्स में, केरला और वेस्ट बंगाल. सिंस तो यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स इसलिए इफेक्टिव था कि बिकॉज यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी एंड कम्युनिस्ट वॉन्ट दे लैंड होल्डिंग्स को उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. फॉर ए लॉन्ग टाइम कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वॉज देयर इन वेस्ट बंगाल और यहाँ पे केरला में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट. दिस गवर्नमेंट टेकन अवे अकॉर्डिंग टू द कम्युनिस्ट पॉलिसी दे डिड द, लेकिन रेस्ट ऑफ द जो कंट्री की जो बातें हैं, वेयर द नो एनी रिमार्केबल चेंज वॉज मेड अंडर दिस टेनेंसी. फर्दर हम देखते हैं लास्ट बट नॉट लिस्ट इज द लास्ट बट नॉट लिस्ट इज द थर्ड मेजर लैंड सीलिंग एक्ट. तो दिस वॉज द लैंड सीलिंग एक्ट वॉज इम्पोज, इट वॉज द रेगुलेटेड अपॉन देम हु हैड टू लिमिट द huge and the vast stretch of the land, acres of the lands, the head, the household family, उसके एक limit किया गया according to that. So a certain limits a household, a family could have the land according to the their persons, according to their members of the family. According to the ये land ceilings इसको कहते हैं, land ceiling act. According to these laws impose the upper limit on the amount of the land that can be owned by particular family. अगर कोई particular family के पास ज़्यादा lands है, एक ceiling के अनुसार, ceiling amounts के अनुसार, अगर ज़्यादा है accordingly, तो उनके lands को taken away and then after distributed among the scheduled castes, scheduled tribes and the landless से poor's. This was the ceiling varies from region to region depending on the kinds of land. Isme bhi difference tha, it was depend on the kinds of the land whether land was the productive or the or such factors productive or the lands. Very productive lands had a low ceiling. Jo bahut zyada productive land hota tha us par ceiling kam tha aur jo uncultivated lands the ya unproductive the to us par zyada acquire किया जाता था क्योंकि that lands can be the made arable by the landless who so that will be the granted landless people they will make the cultivable that. इसलिए वहाँ पे जो acquisition था ज़्यादा किया गया, लेकिन जो बहुत fertile और productive lands था वहाँ पे acquisition. This one and more very important ceiling according to these acts. The state is supposed to identify and take the possession of the surplus land. Is act ke anusar surplus land ko state leta tha and it was the and held by household redistributed to the landless families.
इसको जो गांव के या विलेज के लैंडलेस फैमिली होते थे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था। एंड हाउस होल्ड स्पेसिफाइड कैटेगरी जैसे शेड्यूल कास्ट हुआ, शेड्यूल ट्राइब्स टाइप कैटेगरी था, और मोरओवर जो लैंडलेस हैं गांव के उनको अमंग्स देम दिस वाज द गिवन अवे। एंड बट दिस प्रूव टू बी द वेरी टूथलेस, ये टूथलेस प्रूव हुआ, इफेक्टिव नहीं हुआ। क्यों? कि देयर वेयर मेनी लूप होल्स इन द एंड द स्ट्रेटेजी थ्रू विच द मोस्ट लैंड ओनर्स वेयर एबल टू एस्केप फ्रॉम दिस फ्रॉम द हैविंग देयर सरप्लस लैंड टेकन ओवर बाय द स्टेट। इसमें ऐसे लूप होल्स थे जिसके थ्रू जो लैंड होल्डर्स था वो एस्केप कर गया थ्रू दिस लॉ। हाउ व्हाट द स्ट्रेटेजी दे फॉलोड टू एस्केप फ्रॉम दिस? इन मोस्ट केसेस लैंड ओनर्स मैनेज टू डिवाइड देयर लैंड्स अमंग द रिलेटिव्स एंड अदर्स। पूरी लैंड्स को क्या किया कि रिलेटिव्स में टुकड़े टुकड़े करके बाय द इन द चंक्स छोटे छोटे स्मॉल प्लॉट्स में होल्डिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो वेयर एक जो कॉन्सोलिडेटेड लैंड्स था एक वास्ट उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया इच वन। तो वहाँ भी लैंड्स की जो लिमिट्स था अपर लिमिट दैट कम डाउन क्योंकि ये डिवाइड, तो वहाँ दैट दिस सीलिंग एक्ट बिकेम द इनफेक्टिव देयर। और एंड मोर ओवर द इंक्लूडिंग रिलेटिव्स एंड अदर से द लैंड इन फैक्ट नॉट इन द एंड द सर्वेंट्स ऑल्सो, उन्होंने अपने लैंड्स को सर्वेंट्स के नाम कर दिया। एंड इन सो कॉल्ड बेनामी ट्रांसफर विच अलाउड देम टू कीप कंट्रोल ओवर द लैंड, और बेनामी ट्रांसफर किया दूसरे के ऊपर बेनामी ट्रांसफर एंड कीप द कंट्रोल ओवर दैट, और इन फैक्ट इफ नॉट इन इन नेम इन, लेकिन उनके नाम पर नहीं था लेकिन दे मेड हैविंग देयर कंट्रोल ओवर दैट। तो ये इसको हम लोग बेनामी ट्रांसफर्स करते हैं। ऐसे बहुत प्रॉपर्टी हैं जो बेनामी ट्रांसफर्स हैं, नाम नहीं है लेकिन इवन देन द पोजिशन हैज द अदर्स, दूसरे का नाम है लेकिन उसका पोजिशन उस पर है। सेकेंड थिंग, इन सम प्लेसेस सम रिच फार्मर्स एक्चुअली डिवोर्स देयर वाइफ, कहीं कहीं तो ऐसा हुआ कि फार्मर्स नाउ डिवोर्स देयर वाइफ्स एंड इवन देन फॉर द एंड द डिवोर्स्ड वाइफ नाउ टेकन मेक द डिविजन इन लैंड्स, she was given the she was partitions the lands, so the land limits big, the limits upper limits were come down, this was the divided and even the divorce given and now despite they living together, divorce ke baad bhi saath mein rehte the husband wife, divorce the lekin kyun aisa kiya to escape the land, lands distribution ya lands acquisition aur escape karne ke liye sealing act se bachne ke liye वो डिवोर्स कर देते थे। और देखिए सिंस दे अगर डिवोर्स किया तो लैंड उन्हें देना होता था, लैंड में वाइफ को डिवोर्स देना होता था, तो इसलिए उनकी लैंड्स की जो अपर लिमिट ऑफ सीलिंग का जो देना सीलिंग का था वो सीलिंग से नीचे आ जाता, दैट वाज डिवाइडेड पर्सन टू पर्सन। तो दिस अपर लिमिट वॉज लोअर्ड एंड दे एस्केप द अपर लिमिट ऑफ द, तो नाउ दिस continued and avoided the provision of land sealing act which allowed the separate share of for the unmarried women but not for wives. Wives agar rahti tab to wo joint mana jata, upper limit rehta, lekin jab wo separate ho gayi to that divided limits come ho gaye, that would not come under the sealing act. This strategy was now followed by the farmers, बिग फार्मर्स, और मोर ओवर द एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर वारीज ग्रेटली, जो स्ट्रक्चर है फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया, प्रोग्रेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स हैज ऑल्सो बीन अनइवन अक्रॉस द, अगर आज़ादी के बाद फ्रीडम्स के बाद भी अगर हम देखें प्रोग्रेस ऑफ लैंड इज ए प्रोग्रेस ऑफ द विलेज और द लैंड सिस्टम इज नॉट सो इनकरेजिंग, और इवन देन जो प्रोडक्टिविटी है वो अभी भी स्टिल द लैंड रिफॉर्म्स इज रिक्वायर्ड स्टिल, और बहुत से स्टेट्स तो रिफॉर्म्स किया ही नहीं स्टेट, तो लैंड्स डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम दैट, और स्टिल द जो मोटिव्स था गवर्नमेंट्स का कि हाई प्रोडक्शन से रियलाइज करना, द गवर्नमेंट कुड नॉट रियलाइज द हाई प्रोडक्शन, अंडरस्टैंड,
तो सो वी सी दैट कि द राइट फ्रॉम द कॉलोनियल पीरियड एंड अप टू द दिस लैंड सिस्टम दिस सिस्टम वॉज अनइक्वल एंड हाईली स्ट्रक्चर द दिस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिमेन द बिलो एंड रूरल एरिया एंड ब्रिंग अबाउट द सोशल जस्टिस और अभी भी स्टिल द रिक्वायरिंग इज द सोशल जस्टिस की अभी भी रिक्वायरमेंट्स सोशल जस्टिस नहीं आया इकोनॉमिक जस्टिस भी नहीं आया अंडरस्टैंड तो स्टिल इट इज द सो स्टूडेंट्स दिस इज द मेड फॉर लैंड रिफॉर्म्स आपने पढ़ा थ्री काइंड ऑफ द रिफॉर्म्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड एंड आफ्टर द ब्रिटिश पीरियड दिस इज द टॉपिक ओके फॉर टूडे थैंक यू वेरी मच